वेलकम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं ईडीएन न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट हाजरा रऊफ। जैसा कि मुल्क में पेट्रोलियम के कीमतों में कमी से पेट्रोल का बहरान बरकरार है, पेट्रोलियम मसनूआत के हसूल के लिए अवाम है परेशान। कहीं पंप्स पर तो बंदिश और कहीं पर तो है रेट पर तकरार। लगता है कि पेट्रोल माफिया के खिलाफ अवाम कुछ नहीं कर पा रही, अवाम को है बेबसी का शिकार। हुकूमती रिलीफ से अवाम क्यों है महरूम? कौन बनेगा अवाम की आवाज़? आज तब्दीली सरकार ने पंप्स पर लगी लंबी कतारों से पुराने दौर की याद दिला दी। कैसी तब्दीली लगी, आइए जानते हैं हम अपनी अवाम की जुबान से। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, जैसे कि ये पेट्रोल की कीमतों में कमी भी कर दी गई, लेकिन साथ ही इसकी किल्लत भी कर दी गई है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किल्लत शिल्लत नहीं है, पेट्रोल अवेलेबल है लेकिन देते नहीं है। वो सस्ता तरीन होने की पेट्रोल वजह से ये लोगों को और आवाम को जलील कर रहे हैं। कार्रवाई करनी चाहिए ना, हुकूमत को नोटिस ले। अमरा मौजूदा जो हुकूमत है वो क्या बेहतर इकदाम कर रही है, या अभी तक जो आप देख रहे हैं वो क्या कहेंगे आप? नहीं, इकदाम तो बेहतर कर रहे हैं लेकिन ये आवाम को जलीलो ख्वार हो रही है। आवाम जगह जगह पे सारे सील कर दिए हुए हैं, पंप पेट्रोल हर पंप पे मौजूद है लेकिन देते नहीं है, क्योंकि सस्ता होने की वजह से देते नहीं है। आवाम को बहुत ज्यादा दलील हो रही है, दलीलो ख्वार हो रही है। जी तो सर, आप ये बाहर पेट्रोल लेने के लिए निकले हुए जबकि यहाँ पे कमी कर दी गई कीमतों में, लेकिन पेट्रोल कहीं पे भी नहीं मिल रहा। पेट्रोल कहीं पे नहीं मिल रहा। घर में हर इंसान की मजबूरी होती है, बाहर निकलना होता है। कोरोना में बाहर भी नहीं निकलने देते, क्यों नहीं निकलने देते? अगर नहीं निकलने देते तो फिर इंसान की जरूरतें पूरी करें ना, कारोबार चलने दे रहे हैं ना कोई काम करने दे रहे हैं। इंसान को मजदूरी भी नहीं करने दे रहे, क्यों नहीं करने दे रहे? इंसान को घर में राशन क्यों नहीं दे रहे? अगर हर इंसान से परेशान है, आवाम से परेशान है तो क्यों परेशान है? उसको घर में राशन दे भी बोतल लेके आए तो, और कोटरी लोहारा से हेडमराला से तो और इधर सिविल हॉस्पिटल तक कोई भी ऐसा नहीं है जो पंप में कोई पेट्रोल मिल सके। क्यों नहीं मिल रहा? कीमत भी अपनी मर्जी की ले रहे हैं फिर भी पेट्रोल क्यों नहीं दे रहे? अगर कोई इंसान मजबूरी है, कोई हॉस्पिटल में दाखिल है, वो बेचारा अगर किसी एमरजेंसी में जाना चाहता है, अगर वो डेथ हो गई है उसकी तो फिर कैसे जाएगा वो? तो आप हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत को इस पे क्या इकदाम लेने चाहिए? हुकूमत को इस तरह के आवाम के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, आवाम का ध्यान करना चाहिए। अगर नहीं आवाम की जरूरत पूरी करे, अगर घरों को आवाम को बिठाना तो उसकी जरूरत पूरी करे, नहीं वो जरूरत पूरी कर सकती तो फिर आवाम को आज़ादी दे, हर चीज़ जैसे पहले थी ऐसे हर चीज़ को फॉलो करे। क्या जरूरत है उसको फिर? वाम मजबूर अब क्या करे वाम? वो कहते घरों में बैठे, घरों में बैठ के गुजारा नहीं होता किसी का भी, कैसे गुजारा करे वो? जी तो नाजरीन, जैसा कि आप हमारी आवाम की राय देख रहे हैं उनमें अच्छा खासा गुस्सा भरा हुआ है। वाकई ये बड़ा अहम सवाल है कि अगर कीमतों में कमी भी कर दी गई है और कीमतों में किल्लत भी कर दी है, जो पेट्रोल है वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा, तो आवाम की जरूरत कैसे पूरी होगी? हुकूमत को चाहिए ना कि वो इसके ऊपर इकदाम सामने को। आप बाहर निकले हुए हैं और पेट्रोल की कीमत में कमी भी कर दी गई लेकिन अब पेट्रोल कहीं से भी नहीं मिल रहा, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये तो सबसे पहले बहुत बड़ा इशू बना हुआ है पूरे सियालकोट में, कहीं से पेट्रोल नहीं मिला। चंद पंप है जहाँ से पेट्रोल अवेलेबल है लेकिन वहाँ पे इतना रश है कि हम लाइन में घुसे तो कैसे घुसे, डर भी लगता है कहीं कोरोना ना लग जाए। तो यही कहना चाहूँगा कि अगर पेट्रोल सस्ता हुआ है तो इनको चाहिए कि पेट्रोल सबको दें ताकि इजीली हो जाए। हम वहाँ पे रहते हैं साल वाली गली में, अब हम वहाँ पे जाएंगे पेट्रोल लेने, टाइम की भी होगा, तो इसलिए चाहिए कि जहाँ पेट्रोल मिलता है वहाँ मिले। तो आप क्या हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे कि उनको इसमें किस तरह के इकदाम लेने चाहिए कि आवाम की रसाई भी हो सके और कोरोना से भी बचा जा सके? यही बात है ना, हुकूमत ने अगर सस्ता किया पेट्रोल तो उनको भी चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि इनको पेट्रोल दिया जाए। इनके ये भी माफिया ही है एक किस्म का, जो पेट्रोल ना देने पे अगर दिखा रहे हैं बदमाशी। यही वजह है कि आपको चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन ले ताकि हम पेट्रोल इजीली दे सकें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी तो नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ इस पेट्रोल पम्प के एक काम करने वाले हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि पेट्रोल की किल्लत का वजह क्या है। वालेकुम सलाम सर, ये देखें आवाम यहाँ पे खड़ी है जैसा कि मेरा कैमरामैन दिखा रहा है जी। तो ये पेट्रोल की किल्लत की वजह क्या है जबकि पेट्रोल की कीमत में कमी भी कर दी गई है और अब आवाम की पहुँच से दूर भी है? ये पीछे से कमी की वजह से जो है ना, कंपनियों ने बड़ी बड़ी कंपनियों ने तेल नहीं मंगवाया, यानी कि पेट्रोल का उस वजह से जो दूसरी कंपनियाँ अदर कंपनियाँ उन्होंने उस वजह से हमारे पास रश पड़ जाता है, इस वजह से जो तेल जो वो पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। यानी आपके मतलब है कि हुकूमत की तरफ से SOPs हैं कि आवाम घर रह सके?
नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये ऐसे है कि तेल की कीमतें कम होने की वजह से जो कंपनियों ने बाहर से तेल नहीं मंगवाया, इंपोर्ट नहीं किया, सप्लाई नहीं आ रही। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा आज हमने मुख्तलिफ लोगों से उनकी राय ली है, हमने पंप वाले से भी बात की है। ये बहुत अहम सवाल है कि ये किस किस्म का माफिया है। पहले पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई, ऊपर से अब किल्लत कर दी गई है, तो आखिर आवाम करे तो क्या करे? हुकूमत को इस पे इकदाम लेने चाहिए। पंप वाले का कहना है कि हमारे पास पीछे से ही पेट्रोल जो है वो कम आ रहा है, कम मकदार में आ रहा है, तो ऐसा क्यों है? जो ज़िले इंतज़ामिया वो इनके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रही, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? तो हमारी आवाम को चाहिए, हमारी आवाम की आवाज़ को हुकूमत सुने, हुकूमत कुछ करे, कुछ ऐसा करे कि आवाम तक रसाई हो सके पेट्रोल की, क्योंकि ज़रूरत है, सो काम है। या तो कोई ऐसा प्रोसेस शुरू कर दें कि आवाम घर बैठे जो है वो अपनी ज़रूरियात पूरा कर सके, नहीं तो अगर बाहर उन्होंने निकलना है तो एटलीस्ट इस तरह ये पेट्रोल पम्प बंद मत करे। लोगों के लिए मसला हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारा रश हो रहा है। तो आज ईडीएन न्यूज़ जो है वो आवाम की आवाज़ बने, आवाम की आवाज़ को आपके पास तक लेके आया है। आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपने कमेंट्स, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। www.edianpk.tv की वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिए। यहाँ पे मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी। मुझे यानी हाजरा रऊफ को कैमरामैन उस्मान अली के साथ दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।